हमारे सहाफी भाइयों के लिए बहुत अच्छा किया। इससे पहले भी सीएम साहब ने लाहौर प्रेस क्लब की ग्रांट जो है वो बढ़ाई और अच्छे इकदाम कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड का भी हमारा आपका कोई फाइनल होने के बिल्कुल करीब करीब है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करेंगे और आप कर भी रहे हैं कि कारकुन साहबियों को जो सैलरियाँ वक्त पर मिलनी चाहिए वो आप देते हैं, इतने मजीद जो है इंशाल्लाह इसी तरह सख्ती करें, इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत जो है और इसमें कोई जिस तरह निशान ने भी बात की कोई तस्वीर करने जा रहे हैं मजीद, कब तक हो सकता है? 14 तक ही रहेगा या 28 तक? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी स्पीच में कहा है कि सूबों का इस्तेहकाक है, सूबे अपनी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको देखते हुए फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। आप लोगों की फाइनल क्या? फाइनल ये है कि जब 14 तारीख करीब आएगी, अभी 2-3 दिन है, और उसके मुताबिक फिर इसको तय करेंगे और उस पर NDMA, PDMA और हाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, कमांड एंड कंट्रोल जो वहाँ पे बनी अथॉरिटी, वो सारे मिल के आपस में प्रेजेंटेशन करके जाएंगे जो सूरत हाल होगी। अब सपोज जिस अंदाज से अभी वायरस बढ़ रहा है, पेशेंट्स आपके सामने हैं कि जना काफ़ी बढ़ रहे हैं ना, पहला एक महीना शायद इतने नहीं थे लेकिन आप डेली बेसिस पे जाना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर यही सिलसिला रहा, इसी तरह एक्सेलरेट होते रहे, तो आई थिंक सो कि शायद इसको बढ़ाना पड़ेगा या, लेकिन ये फैसला उसी वक्त 14 के करीब होगा। लेकिन नरमियाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं, लॉकडाउन में जितनी भी नरमियाँ बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अप्रैल के एंड तक ये मजीद अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा। देखिए बुनियादी तौर पर ये तो आवाम की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बुनियादी तौर पर तो आवाम को ये चीज़ समझनी चाहिए। अब ये टू वे चीज़ें हैं, देखें एक तरफ लॉकडाउन को सख्त करने के हवाले से और मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज करने के हवाले से जो लोग एडवोकेट थे मीडिया के अंदर भी और अपोजिशन के अंदर भी, अब वो पिछले 5-6 दिन से ताजरों को रिलीफ देने के हवाले से सबसे बड़े एडवोकेट हैं इस वक्त। अब इतना ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अब इकॉनमी चलानी है, मामला चलाने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वज़ीरे आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो बेसिक कंसर्न है वो गरीब आदमी है, वो कारीगर मजदूर है, वो मैकेनिक है, वो इलेक्ट्रिशन है, वो छाबड़ी वाला है, वो रेड़ी वाला है, वो टांगा से मुझे रक्षा चलाने वाला है। अब ये इस तरह के जो लोग हैं उनको मद्देनजर रख के पहले भी हल्का फुल्का रिलीफ दिया हुआ जाना, लेकिन यह है कि आवाम को समझना चाहिए कि अगर तो वाकई ज़रूरत है उनका घर से निकलना फिर वो घर से निकलें, अदरवाइज इससे अवॉइड करें। और सिचुएशन सबके सामने है कि अब भाग रहे हैं, अगले 20-22 दिन बहुत सेंसिटिव है और मैं